भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री कृष्ण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार वर्ष 2023 में जन्माष्टमी आपको कब बनाना है, क्योंकि कुछ पंचांगों में 6 सितंबर 2023 बताया है, वहीं कई पंचांगों में 7 सितंबर 2023 गुरुवार का दिन बताया है। ऐसे में वैष्णव लोगों को जन्माष्टमी का व्रत करना चाहिए और तो कब करना चाहिए, और जो साधु संत है उनको जन्माष्टमी व्रत कब रखना चाहिए, वहीं गृहस्थी को व्रत कब रखना चाहिए, और सभी लोगों को, भक्तजनों को इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत कब रखना चाहिए। द्वापर युग में आज से ठीक 5250 साल पहले भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा जब अपनी उच्च राशि वृषभ में विराजित थे तथा सूर्य देवता अपनी स्वराशि सिंह राशि में विराजित थे, ऐसे शुभ समय में मध्य रात्रि ठीक 12 बजे मथुरा नगरी में वसुदेव और देवकी जी के घर पर भगवान श्री विष्णु के पूर्ण पुरुषोत्तम अवतार के रूप में भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था। इस दिवस को श्री कृष्ण जन्मोत्सव, श्री कृष्ण जयंती या जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। इस बार 6 सितंबर 2023 की शाम को 7:48 से अष्टमी तिथि का आरंभ हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 7 सितंबर 2023 की शाम को 7:40 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी और रोहिणी नक्षत्र जो भगवान श्री कृष्ण के अवतरण का नक्षत्र था वो 6 सितंबर 2023 को दोपहर 2:28 से आरंभ हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 7 सितंबर 2023 को दोपहर 2:55 पर समाप्त हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि जन्माष्टमी कब मनाई जाए, और इस बार मथुरा में, वृंदावन में, ब्रज मंडल में जन्माष्टमी का महापर्व कब रहेगा, क्योंकि सभी लोग मथुरा नगरी में जो जन्माष्टमी मनाते हैं, वृंदावन में जो जन्माष्टमी मनाते हैं, उसके आधार पर ही जन्माष्टमी का व्रत रखने का निर्णय लेते हैं। जन्माष्टमी को स्मार्त और वैष्णव संप्रदाय के जो भक्तजन है वो अपने अलग अलग ढंग से मानते हैं, मनाते हैं। श्रीमद् भागवत जी को प्रमाण मान करके स्मार्त संप्रदाय के मानने वाले चंद्रोदय व्यापिनी अष्टमी व रोहिणी नक्षत्र में जन्माष्टमी मनाते हैं, तथा वैष्णव जन या वैष्णव परंपरा को मानने वाले उदयकाल व्यापिनी अष्टमी एवं उदयकाल रोहिणी नक्षत्र को जन्माष्टमी का त्यौहार मनाते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के निमित्त व्रत रखा जाता है, विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखता है उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पद की प्राप्ति होती है, और इस संसार में जो जो भी कामना होती है वह उसकी अवश्य ही पूर्ण हो जाती है, क्योंकि परब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर, पूर्ण ब्रह्म और संपूर्ण कलाओं से युक्त भगवान श्री कृष्ण का अवतरण दिवस जन्माष्टमी महारात्रि, मोहरात्रि के रूप में माना जाता है। और इस दिन जो भी भक्तजन जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं उनको मोक्ष पद की प्राप्ति होती है, मोह माया के जाल से मुक्त हो जाते हैं। यदि आपके लिए कोई भी इच्छा हो, मनोकामना हो, तो आप जन्माष्टमी का व्रत जरूर रखना। इस दिन आपको व्रत रखने से आपके जीवन के सभी कष्ट और संकट समाप्त हो जाएंगे, और आपके जीवन में जो जो भी कामनाएं होगी, इच्छाएं होगी, वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। वैसे सूर्योदय व्यापिनी अष्टमी का व्रत रखना चाहिए, क्योंकि जन्माष्टमी का व्रत रखने के लिए हमारे धर्म ग्रंथों में जो उदाहरण दिया है
वो एकादशी व्रत का उदाहरण है। जिस प्रकार एकादशी का व्रत करने के लिए हम वैष्णव संप्रदाय के भक्तजन जो है सूर्योदय व्यापिनी एकादशी को लेते हैं, उसी प्रकार जन्माष्टमी के जो नियम हैं वो भी एकादशी के बराबर ही माने जाते हैं। और वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले भक्तजन अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र को प्राथमिकता देते हुए वे कभी भी सप्तमी तिथि के दिन जन्माष्टमी नहीं मनाते हैं। वैष्णव नियमों के अनुसार जन्माष्टमी का दिन अष्टमी अथवा नवमी तिथि पर ही आता है। जन्माष्टमी का दिन तय करने के लिए स्मार्त संप्रदाय द्वारा अनुगमन किए जाने वाले नियम अधिक जटिल होते हैं। इन नियमों में निशीत काल का जो अर्धरात्रि का समय है उसको प्राथमिकता दी जाती है। जिस दिन अष्टमी तिथि निशीत काल के समय व्याप्त होती है उस दिन को प्राथमिकता दी जाती है। और इस बार कुछ भक्तजन 6 सितंबर 2023 बुधवार के दिन अष्टमी तिथि रात्रि व्यापिनी रोहिणी नक्षत्र में व्रत रखेंगे। लेकिन यदि आप हमारे मत को मानते हैं, वैष्णव परंपरा को मानते हैं और गृहस्थ लोग यदि व्रत करना चाहते हैं तो उनको 7 सितंबर 2023 गुरुवार के दिन ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखना चाहिए, क्योंकि इसी दिन सूर्योदय व्यापिनी अष्टमी तिथि है। और सूर्योदय व्यापिनी जो अष्टमी तिथि है वही सर्वोत्तम जन्माष्टमी के रूप में मनाई जाती है। हालांकि अब आप कहेंगे कि 7 सितंबर को न तो अष्टमी है रात में, न रोहिणी नक्षत्र है और बुधवार भी नहीं है, ऐसे में जन्माष्टमी का पर्व 7 सितंबर को हम क्यों मनाएं? तो हम आपको बता दें कि हमेशा वृद्धि तिथि के साथ में ही अष्टमी तिथि का व्रत रखना चाहिए। वृद्धि तिथि यानी कभी भी सप्तमी युक्त अष्टमी का व्रत नहीं रखना चाहिए, हमेशा नवमी युक्त अष्टमी का ही व्रत रखना चाहिए। क्योंकि यदि आप सप्तमी युक्त अष्टमी का व्रत रखेंगे तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए आप सभी भक्तजन 7 सितंबर 2023 गुरुवार के दिन ही जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे तो अति उत्तम रहेगा, इससे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। क्योंकि इस बार संपूर्ण ब्रज मंडल में मथुरा नगरी में वृंदावन में 7 सितंबर 2023 गुरुवार के दिन ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व मनाया जा रहा है। तो आप यदि मथुरा वृंदावन ब्रज मंडल और ब्रज भूमि के अनुसार जन्माष्टमी का व्रत रखना चाहते हैं तो आपको 7 सितंबर 2023 गुरुवार के दिन ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखना चाहिए और इसी दिन आपको भगवान श्री कृष्ण का पूजन अर्चन करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठ करके सर्वप्रथम स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें और तिलक धारण करके जन्माष्टमी व्रत का संकल्प आपको लेना चाहिए। और उसके बाद प्रभु का, अपने आराध्य देव का, इष्ट देव का पूजन अर्चन करें। बाल गोपाल जी का पूजन अर्चन इस दिन विशेष रूप से किया जाता है। हम वीडियो के माध्यम से आपको ये भी बताएंगे कि आपको लड्डू गोपाल जी का, बाल कृष्ण जी का पूजन अर्चन कैसे करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे उस वीडियो को अवश्य देखिएगा जिसमें हम आपको भगवान लड्डू गोपाल जी की पूजा का संपूर्ण विधान बताएंगे। तो आपको 7 सितंबर 2023 को जन्माष्टमी का व्रत रखना है और 7 और 8 सितंबर की मध्य रात्रि ठीक 12 बजे प्रभु श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी का महापर्व मनाना चाहिए, तभी आपको जन्माष्टमी के व्रत का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। और इस व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा वो अगले दिन यानी 8 सितंबर 2023 को सुबह 6:24 से लेकर के 8:24 तक आपको जन्माष्टमी व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। सनातन धर्म के व्रत पर्वों के निर्णय हेतु सर्वमान्य ग्रंथ धर्म सिंधु के पृष्ठ क्रमांक 12 एवं 13 तथा निर्णय सिंधु के पेज नंबर 63 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है
की उदय व्यापिनी ग्राह्या। 1987 में इस तिथि पर यानी जन्माष्टमी पर एक विवाद उत्पन्न हुआ था। उसमें विद्वत परिषद वाराणसी यानी बनारस ने उदय व्यापिनी के आधार पर व्रत समय और तिथि का निर्धारण किया था। उस निर्धारण गणित के आधार पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी सूर्योदय में अष्टमी तिथि और सूर्योदय में रोहिणी नक्षत्र जो सर्वोत्तम रहेगा। यानी जन्माष्टमी का महापर्व 7 सितंबर 2023 गुरुवार को ही रहेगा। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है, इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।